नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी। और गोभी को मैं हल्का सा गर्म पानी में डाल दे रही हूँ अभी, मतलब ज़्यादा देर नहीं, दो मिनट से भी कम ही रखूँगी। मतलब पानी गर्म हो जाएगा, बस हो गया, ज़्यादा उसको उबालना नहीं है। और आलू भी मैंने एक तरफ चढ़ा दिया है, तो आलू अभी उबल रहा था, तो आलू उबल जाए उसका थोड़ा सा ठंडा करूँगी, क्योंकि गर्मी का दिन है ना, तो बहुत ज़्यादा ही हाथ जलने लगता है। ठंडा के दिन में तो मैं कर लेती थी, लेकिन गर्मी में नहीं हो पाता है। और इसे मैं अभी रख दे रही हूँ पानी गिरा के, क्योंकि गर्म पानी गिर जाता है ना, उसके बाद फिर हो जाता है ठंडा, ज़्यादा देर टाइम नहीं लगता। और यहाँ पर मैं गोभी को फ्राई कर रही हूँ धो के। गर्म पानी से मैंने धो लिया था, फिर ठंडे पानी से भी धो लिया था, फिर उसके बाद मतलब कि गोभी को मैं फ्राई कर रही हूँ। और बहुत दिनों के बाद ही गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे ना दोस्तों, सुबह की भाग दौड़ शुरू हो जाती है अब मेरी सुबह से ही। और ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये देखिए सब्ज़ी बना रही हूँ। और आज देखिए कितना अच्छा, अभी आजकल ना कभी कभी बारिश भी हो जा रहा है, मतलब एक दो दिन छोड़ के। और यहाँ पे ये देखिए अच्छा खिला धूप हुआ है, देखो किचन में देखिए दोस्तों, धूप है, धूप तो है, लेकिन मतलब कि आजकल बारिश भी हो जाता है थोड़ा बहुत, तो ठीक रहता है। और यहाँ ना धूप ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ठीक है। और अमरूद गाछ में अमरूद बिल्कुल भी नहीं फर रहा है। और सुबह में सब कपड़ा मैं धो ली थी, अभी सूख भी गया तो मैं उठा कर रख दूँगी सबको। सारे कपड़े वगैरह सूख गए मेरे, सुबह ही धोया था। और धूप देखिए कितना ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है, इसलिए धूप में ज़्यादा नहीं जाना है। हवा भी चल रहा है लेकिन, और पेंट का काम सब हो गया, सारा कुछ कलर हो गया है। देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा धूप है, और अभी सुबह का टाइम ही है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन धूप कितना ज़्यादा है। और अभी आलू ठंडा हो गया, तो मैं आलू को यहाँ छीलने के लिए आ गई थी, क्योंकि मतलब थोड़ी देर रख दिया था और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसलिए मैं आराम आराम से ही बना रही थी, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, इसीलिए। तो आज सब्जी ही रोज़ तो मैं इन्हें भुजिया वगैरह दे देती हूँ, जो जल्दी से हो जाता है, तो आज मैंने सोचा चलो इन्हें सब्जी ही टिफ़िन में दिया जाए। तो गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ ना, तो सबके लिए हो जाएगा, फिर देखते हैं बाद में दाल चावल कुछ बना दूँगी दोपहर में। अभी तो सुबह का टाइम है, और सुबह मैं 4 बजे ही उठती हूँ ना, तो काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं, इसलिए फिर खाना आराम आराम से ही बनाना होता है। जैसे अभी सुबह का नाश्ता ही बना रही हूँ, लेकिन धूप देखें कितना ज़्यादा है, अभी मतलब 8 भी नहीं बजा होगा ठीक से, और धूप इतना, लेकिन मतलब गर्मी ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन गर्मी मतलब अगर 2 दिन इस तरह धूप हो जाए ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी फिर से लगने लगता है। ये नहीं कि मतलब गर्मी नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी उधर कर रहा था, लेकिन अभी किसी किसी दिन बारिश हो जाता है, तो उससे मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। लेकिन और हम लोग के घर में जो काम लगा हुआ है ना, तो कभी काम बंद हो जाता है, कभी चालू हो जाता है, मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं, तो उसके चलते भी पूरा मतलब घर फैला फैला रखता है और किच-किच लगता है। जैसे इधर मतलब वो लोग काम कर रहे हैं, फिर इधर कर रहे हैं, और हम लोग का भी घर गेट वगैरह पेंट करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब लगता है, लेकिन उन लोग का काम है तो करना ही पड़ेगा ले, और हम लोग को दिक्कत थोड़ा सा हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ आलू मेरी छिल गई है, मैंने छील लिया आलू, और पूजा वगैरह मैंने सुबह ही कर लिया था, और उसके बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ। तो बस आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, अभी पूजा वाला दिया देखिए जल ही रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो आलू छीलते छीलते ही आप लोगों को दिखा दूँ। तो आलू छीला हुआ हो गया, उसके बाद मैं आके आप लोगों को दिया दिखा रही हूँ। तो सुबह में मैंने पूजा कर लिया था और दिया वगैरह जला दिया था, भोग वोग सब लगा देती हूँ, उसके बाद अपना हम लोग अपना भोग लगाने के लिए खाना पीना बनाने लगते हैं दोस्तों। ऐसा ही है, पहले भगवान जी को फिर अपने आप को। तो यहाँ गोभी आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छा बना था एकदम, और यहाँ मैंने बनाया पराठा और गोभी आलू की सब्ज़ी और खीरा, बस यही रहेगा, तो सिंपल सा है। गर्मियों के दिन में ना हल्का फुल्का ही हम लोग खाते हैं, ज़्यादा भारी भरकम नहीं, और सब्ज़ी भी कम ही बनाते हैं, ज़्यादातर हम लोग सूखी सब्जी टाइप का ही बना लेते हैं, क्योंकि उससे ही हो जाता है, लेकिन कभी कभी चेंज करना चाहिए, तो इसलिए
आज चेंज हो गया हम लोगों का, और बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। ज़्यादा दिन के बाद बनाओ ना तो कोई भी चीज़ अच्छा लगता है, तो अभी हम लोग बहुत दिनों के बाद ही बना रहे थे। तो खीरा मैंने बहुत सारा काट लेती हूँ, मतलब एक खीरा काट लेती हूँ ना तो बहुत सारा हो जाता है, पेट भी ठीक रहता है, इसे ठंडा ठंडा रहता है। तो ये सब अभी हम लोग गर्मियों में खाते ही रहते हैं, कभी खीरा ख़त्म हो गया तो नहीं, मतलब नहीं भी खाते हैं लेकिन ज़्यादातर खा लेते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, और उसके बाद नाश्ता वगैरह करके फिर और सारा काम है वो भी करना है। तो यहाँ पे चादर वगैरह है, मतलब जो बारिश वरिश हो जाता है ना तो ठंड थोड़ा लगता है, तो वही थोड़ा मोड़ा हम लोग ओढ़ लेते हैं, पैर के पास रख लेते हैं, मच्छर उच्छर काटता है तो। और यहाँ ये चादर आप लोगों लग रहा फटा हुआ है, मतलब फटा हुआ है, चूहा काट दिया है। तो ऐसे ही हम लोग के घर में चूहा बर्बादी करता है, तो चादर नया ही है लेकिन काट दिया तो इसे फेंक नहीं सकते ना, तो बस हल्का फुल्का हम लोग ओढ़ लेते हैं या फिर कहीं बैठना उठना है नीचे में या फिर तो उसे बिछा भी लेते हैं, इसीलिए इसे अभी मैं हम लोग रखे हैं। और चूहा एक और चादर अभी है डबल बेड का, वो भी काट दिया है। तो ऐसे ही करता है दोस्तों, तो क्या कर सकते हैं। और मतलब कि चूहा को भगाने के चक्कर में एक लड़ाई भी हो गई। और देखिए दोस्तों इतना जोर से बारिश आ रहा है, और यहाँ देखिए इतना ज़्यादा बारिश, पानी जम जाता है ना पूरा, पानी भर गया है यहाँ से, आ जा रहा पानी। हवा हवा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, अब बारिश भी उतना ही आ रहा है। तो यहाँ पे देखा ना दोस्तों कितना जोर जोर से बारिश आ रहा था, बादल भी चमक रहा था। तो मतलब कि एक दिन पहले नहीं आया था बारिश, और आज थोड़ा सा गर्मी बढ़ गया था, एक दिन दो दिन छोड़ के बारिश होता हो जा रहा आजकल, तो मौसम ठंडा हो जा रहा। और आज तो इतना ज़्यादा बारिश हुआ है ना, मतलब थोड़ा मोड़ा नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा ज़ोर से हुआ था, जब हम लोग का पूरा बरंडा में पानी ही पानी हो गया था, मतलब एक घंटा से ज़्यादा लगा उसे साफ़ करने में, और हवा भी पूरा तेज तेज चल रहा था। तो अभी मैंने पहले झाड़ू से उसी टाइम सोचा कि काच मतलब कर देते हैं साफ, लेकिन नहीं, फिर नहीं मतलब कर पाई, मैं छोड़ दिया। दोपहर के टाइम में ही बारिश हो रहा है, और ये देखिए दोपहर में इन्होंने बनाया था अपने लिए चिकन, तो ये चिकन और चावल खाएंगे, और हम लोग दाल चावल खाएंगे, सब्जी गोभी आलू वाली है तो हम लोग नहीं चिकन खाते हैं, ये खाते हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि आजकल तो मैं चिकन वगैरह का वीडियो या फिर कुछ का चीज़ का नहीं डालती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं। अब बना है तो फिर छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी चीज़ मैं छुपाती नहीं हूँ, सब सामने ही है जो है आपके सामने, तो हम लोग खाते तो ज़रूर हैं, तो इसलिए छुपाने में क्या मतलब शर्म है। तो जो नहीं खाते हैं वो स्किप कर दीजिएगा वीडियो, जो खाते हैं वो देखिएगा। तो दोस्तों खाने देखने से कोई मतलब ये नहीं, दिक्कत नहीं है, खाने से ही दिक्कत है जिसको नहीं अच्छा लगता। ये देखिए दोस्तों मिट्टू बा सब खेल रहा अभी बाहर में, सारा मिट्टू देखिए गेट खुला है, और एक यहाँ और एक ये, मीठू और एक ये अंदर घुसा हुआ है, और एक ये नटखट, आजा मीठू आजा, पूरा घर गंदा करके रखता है।
पूरा घर गंदा कर देता है और हम लोगों को साफ करना पड़ता है। आ जा इधर आ जा। तो मिट्टू के साथ हम लोग खेल लिया और खेलने के बाद ना दोस्तों मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही हूँ और आजकल एक दो दिन दो तीन दिन में ही मतलब चेंज करना पड़ता है क्योंकि बारिश उरिश आता है ना तो सब लोग घर के अंदर ही रहते हैं और बारिश वाला मतलब बैठते उठते हैं ना तो थोड़ा अजीब सा बेडशीट हो जाता है तो मन नहीं भरता है, मन करता बदल ही दो चेंज कर दो। तो फिर जिस दिन धूप होता है सूख जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है, पंखे में भी सूख जाता है, तो मैं इसीलिए चेंज कर देती हूँ। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर दी हूँ दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए दिन के साथ की सूरत के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे। दोस्तों प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, आपको सपोर्ट और प्यार का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और मिट्ठू से ना हम लोग दिन भर में ना एक या दो मतलब दिन भर तो खेलते ही हैं, एक दो बार मतलब खेलते हैं, ज़्यादा ही खेलने लगते हैं। और मिट्ठू के बिना हम लोग का मन ही नहीं लगता, इतना ज़्यादा हम लोग मिट्ठू क्यूट है। और देखते हैं, हम लोग पास चार चार मिट्ठू है क्योंकि हम लोग को बहुत पसंद है, इसीलिए हम लोग मिट्टू को अभी और भी मिल जाएगा ना तो और भी रख लेंगे। तो आप लोग सोचिएगा मिट्टू का वीडियो क्यों डालते रहती है रोज़। इसीलिए बाय दोस्तों, बाय।